देखिए ASUS ROG का रिव्यू थोड़े अलग अंदाज में। दमदार बैटरी लाइफ वाले स्मार्टफोन और क्विक चार्जिंग और लॉन्ग बैटरी वाले टॉप 10 फोन। बहुत कम ऐसे गेमिंग लैपटॉप होते हैं जिनकी फ्लैगशिप स्ट्रेटजी में AMD प्लस NVIDIA टेक्नोलॉजी होती है और इन्हें कहा जाता है हाइब्रिड लैपटॉप्स। अब हाइब्रिड लैपटॉप्स की जब बात चल ही है तो लेटेस्ट लॉन्च ASUS ROG Zephyrus G5002 को हम कैसे बोल सकते हैं? क्या क्या खासियत है इस लैपटॉप की और क्यों हम इसको एक उम्दा हाइब्रिड कैटेगरी का लैपटॉप कह रहे हैं, ये आपको मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हमें देख लेने चाहिए इस लैपटॉप के स्पेसिफिकेशंस। ये है ASUS ROG Zephyrus G5002। इस लैपटॉप में आपको 15.6 इंच का डिस्प्ले मिल जाएगा, साथ ही 1920x1080 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन भी। दमदार Ryzen 7 प्रोसेसर से लैस ये लैपटॉप आता है 32GB रैम के साथ। ASUS ROG Zephyrus G5002 में 512GB की SSD स्टोरेज आपको मिल जाएगी। गेमिंग लैपटॉप होने के नाते ग्राफिक NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti के पावर से ये लैपटॉप लैस है। कनेक्टिविटी के लिए Wi-Fi 802, 11AC, ब्लूटूथ और साथ ही 4 USB पोर्ट्स इसमें दिए गए हैं। HDMI पोर्ट, लॉक स्लॉट, हेडफोन और माइक कॉम्बो जैक RJ45 पोर्ट्स भी इस लैपटॉप के साथ आते हैं। तो टेक स्पेक्स तो हमने देख लिए, लेकिन अब बारी आती है इस लैपटॉप का रिव्यू करने की। और ये जो रिव्यू है ना, आम लोग तो नहीं करेंगे, एटलीस्ट मैं तो अपने आप को आम ही समझती हूँ क्योंकि मैं बहुत बड़ी गेमर नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मैं आपके लिए एक गेमर लेके आई हूँ जो इसको रिव्यू करेगा बिल्कुल प्रोफेशनली। और ये कोई गेमर बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन हाँ सिर्फ 11 साल का है और 11 साल में ये प्रोफेशनली गेम्स खेलता है। तो चलिए मैं मिलाती हूँ आपको इस गेमर से। सियान पार्कर, उम्र 11 साल 6 महीने, सिक्स स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं। टेक फ्रीक सियान को गेम खेलने की लत है, कहना गलत नहीं होगा। पढ़ाई के बोझ की टेंशन लेने के बजाय ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने पैशन को कैसे दे सकते हैं, इसी सोच में ये डूबे रहते हैं। 9वीं साल में अपना यूट्यूब चैनल शुरू करने के बाद कुछ खास कंटेंट क्रिएट ना करने का मलाल जरूर है इन्हें, लेकिन बड़ों की तरह टेंशन लेना इनकी आदत नहीं है। तो इस टेक फ्रीक टेंशन फ्री गेमर से हम जानेंगे कैसा है ASUS ROG Zephyrus G5002। ओके, सो हियर आई एम विद द गेमर, 11-year-old गेमर सियान पार्कर। और आप बिलीव नहीं करोगे, पिछले 2 मिनट से ना मैं ऐसे बैठ के इससे बात कर रही हूँ, ये सुन भी नहीं रहा है। सियान हाय हाय। ओके, वेलकम टू टेक गुरु। फाइनली मुझे सियान की अटेंशन मिल गई। इस गेम में से बाहर तो निकल, एटलीस्ट लुक एट मी यार। ठीक है। नहीं 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 नहीं, क्यों नहीं नहीं नहीं, अरे 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 हमें नहीं पता। नहीं, हार गया। दिस इज व्हाट अ गेमर डज। हार गए, हार गया। चल ठीक है, अभी हार गए तो नया गेम शुरू कर देना। सुन तो सही, तो हम फाइनली यहाँ पे रिव्यू कर रहे हैं, इनफैक्ट हम नहीं कर रहे हैं, सियान ने रिव्यू किया है ASUS का ROG Zephyrus G5002 जो आप देख सकते हैं इसके सामने है, और इसमें ये टक टक ही लगा के पता नहीं कब से गेम खेले जा रहा है। हम रिव्यू शुरू करें मिस्टर गेमर? हाँ, थैंक गॉड। ओके, यू प्ले अ लॉट ऑफ गेम्स, अलग अलग लैपटॉप्स पे तुम गेम्स खेलते हो, तो तुम्हें इसकी लुक, डिजाइन, डिस्प्ले, कीबोर्ड कैसा लगा? कीबोर्ड के बारे में सिर्फ इसमें लाइटिंग है, अगर आप सच्ची में है इसमें, हाँ कैसे? पर अभी तो दिख नहीं सकता क्योंकि डिम है। okay. पर अगर एक अंधेरे में देखें, यस, जैसे हम अंधेरे में खेल रहे होते हैं तभी एक तो ये लाइटिंग बहुत ही अच्छी होती है। okay. पर ये प्रॉब्लम है कि ये बहुत ही डिम है, तो बहुत एक तो देर लगता है ढूंढने के लिए, अच्छा ये वो की है, तो की ढूंढने में टाइम लग जाता है। हाँ, ओके। और अगर लाइट जलती थी तो वो बहुत कम है, बहुत डिम है। ओके, तो ये लाइटिंग की बात होगी कीपैड पर, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्क्रीन, स्क्रीन भी ठीक है, पर स्क्रीन साइज ठीक है एक गेमर के लिए? हाँ, पर सिर्फ एक फ्लॉ है उसमें कि ये बहुत ही जल्दी से गंदी हो जाती है स्क्रीन। ओके, हाँ, क्योंकि मुझे भी यहाँ पे कुछ मार्क्स दिखाई दे रहे हैं। हाँ, जैसे मैं एक तो स्क्रीन को ऊपर करता हूँ तभी ही वो एक तो ऐसे फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं, ऐसे ये प्रॉब्लम होता रहता है खोलते लैपटॉप को खोलते ही। और बेजल्स भी इतने थिन है कि एक तो बहुत ही अच्छे तरीके से दिखता है, वो क्लासी फील देता है। हाँ, एक गेमर को मजा आता है, लेकिन हाँ, एक गेमर को इसके अलावा बहुत सारी चीजों पे फोकस करता होगा ना सियान, बिकॉज यू आर अ प्रोफेशनल गेमर। कौन कौन से लैपटॉप पे गेम खेला है और किस तरह के गेम्स खेले तुमने? मैंने मोस्टली FPS मतलब फर्स्ट पर्सन शूटर गेम्स खेले,
और भी बहुत सारे स्टोरी नरेटिव ड्रिवन गेम्स, ऐसे बहुत सारे गेम्स मैंने खेले हैं। ओके, तो जब हम हैवी ग्राफिक्स वाले गेम्स खेलते हैं तो वो स्टोरी नरेटेड भी होते हैं और वो बहुत लेंदी भी होते हैं। हाँ। तो इन टर्म्स ऑफ एंटायर फील ऑफ प्लेइंग द गेम, ऑडियो बहुत मायने रखता होगा, लैपटॉप हीट नहीं होना चाहिए, तो ऑन दीज एंगल्स यू लाइक द लैपटॉप द परफॉर्मेंस? हाँ, क्योंकि एक तो हीटिंग पे इतना एक तो हो रहा नहीं है, क्योंकि इसका इंटीग्रेटेड फैंस जो फैंस का जो सिस्टम है वो इसे हमेशा कूल रखता है, इसीलिए इतना भी ओवर हीट नहीं होता है। okay. अगर बहुत ही हैवी गेम लिया ना, जो एक तो अबव 50 या फिर 90 कुछ तो गीगाबाइट्स का एक तो ऐसे ही एक गेम ढूंढा ना, तो फिर वो थोड़ा ऐसे ओवर हीट होगा, क्योंकि okay. वो नॉर्मल टेंडेंसी है। अच्छा। और ऑडियो के बारे में बोले तो विदाउट हेडफोन्स भी बहुत ही अच्छा सराउंड साउंड आता है, और अगर हेडफोन्स डाला तो ऑफ कोर्स अच्छा ही साउंड आता है। ओके, बट आई आल्सो वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट द पीसीनेस, बिकॉज अगर तुम बहुत हैवी ग्राफिक्स वाले गेम्स खेलते हो, जो कि तुम खेलते हो ऑलरेडी, वो इस तरह के लैपटॉप पे हम खेल सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छे से। जैसे कि ये जो गेम मैं खेल रहा हूँ, आपको मैं दिखा सकता हूँ ऑप्शंस में जाके, ग्राफिक्स में जाके, ये देखो टेक्सचर क्वालिटी और LOD, मतलब बहुत ही शेडिंग क्वालिटी, रिफ्लेक्शन, ये सब जो है वो हाई पे है, नहीं तो मीडियम पे है। मीडियम पे है क्योंकि उतर तक की सेटिंग जाती है। okay. ऐसे सब एक तो चीज़ है। तो इन सब के बावजूद भी गर्म नहीं होता है? थोड़ा, बहुत ही थोड़ा गर्म होता है, ज्यादा नहीं। ओके, तो यहाँ पर एटलीस्ट हीटिंग को लेके इतने इश्यूज नहीं है। लुक वाइज भी सियान को लैपटॉप पसंद ही आ रहा है, सिर्फ ये है कि इसकी स्क्रीन पे जो फिंगर मार्क्स हैं उसको ये अप्रूव नहीं करते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, गेमर हैज टू कीप द बैटरी ऑल्सो इन माइंड। नो, बैटरी भी तो देखनी पड़ती है लैपटॉप की। बैटरी में भी एक फ्लॉ है। क्या वो है? कि एक ही घंटे में अगर आप ऐसे गेम्स खेल रहे हो, एक नहीं तो 45 कुछ तो मिनट्स तक ये तो खत्म हो जाती है बैटरी, इसीलिए एक ही गेम में एक घंटे में एक घंटे में खत्म हो जाती है। हाँ। ओह। और पर ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमेशा प्लग इन करके करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी ये लैपटॉप नॉर्मली ऑन बैटरी मोड में होता है तभी उसका साइलेंट मोड चालू होता है। उसमें एक तो नॉर्मल डेली यूज के लिए होता है, जैसे कि वर्ड, और एक तो आप जैसे काम करते हो वैसे करने का होता है, पर गेम्स खेलने के टाइम तभी प्लग इन करना चाहिए। पर लेकिन अगर हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं और प्लग इन करने की फैसिलिटी नहीं है, दैट मींस वी कैन नॉट प्ले गेम। वी कैन, एक घंटे में खत्म हो जाएगा चार्जिंग। वो एक घंटे में खत्म हो जाएगा, पर एक तो आपको बहुत ही एक तो ऊपर ग्राफिक्स खेल नहीं सकते, हाई ग्राफिक्स तक आपको एटलीस्ट मीडियम नहीं तो लो पे रखना होगा, फिर आप एक तो आराम से एक तो खेल सकते हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस क्या प्रोज एंड कॉन्स है पूरे लैपटॉप में? मैं रैम की बात करूँ, प्रोसेसर की बात करूँ, बिकॉज इंटेल प्रोसेसर नहीं है इसमें? इंटेल प्रोसेसर नहीं, राइजन का प्रोसेसर है। तो मेरे ख्याल से अगर हम गेमिंग की बात करें तो इंटेल इज लाइक दी प्रोसेसर टू हैव, नो? यस, पर राइजन भी उनके साथ कम्पीट करता है, वो भी बहुत अच्छे से, इतना okay. भी गंदा नहीं है। हाँ। पर सिर्फ मैं प्रेफर करता हूँ इंटेल, इसीलिए मेरे को राइजन का इतना अच्छा लगता है, पर मुझे इंटेल प्रेफर करता है। ओके, पर लेकिन मुझे ये बताओ कि कोर और रैम के बेसिस पर, उस पैरामीटर पे ये कैसा है? कोर पे ये बहुत ही हेविली फोकस्ड है गेम्स पर, और इसीलिए उनके पास एक तो एक पूरा एक एप्लीकेशन है जो ऑलरेडी इसके अंदर इनबिल्ट है, वो पूरा डेडिकेटेड है गेम्स खेलने में। AMD की बात कर रहे हो? यस, AMD का एक एप्लीकेशन है, इसमें ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड आता है, और फिर उसमें आप देख सकते हो टेम्परेचर कितना है, CPU क्या है, अगर आपको कूलिंग करनी है तो अल्ट्रा फैन मोड ऑन करो, ऐसे सब चीज़ें एक तो रखते हैं, वो बहुत ही छोटी छोटी जो आपको रखनी चाहिए माइंड में अगर आप प्रोफेशनल गेमर हो तो। ओके ओके, तो ओवरऑल सियान का एक्सपीरियंस ASUS ROG Zephyrus G5502 पर कैसा रहा वो बताओ? अगर रेटिंग सिस्टम में देखो तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, और अगर 1 out of 10 में करूँ तो मैं इसको डेफिनेटली 9.5 कुछ तो ऐसी रेटिंग दूँगा। रियली? यस। 9.5 out of 10? यस। वाओ, ये तो एक सुपर रिव्यू मिला है, वो भी एक 11-year-old प्रोफेशनल गेमर से। तो टेक गुरु की तरफ से ASUS ROG Zephyrus G5502 को हम यहाँ थम्स अप दे रहे हैं, लेकिन प्राइस एंगल पर मैंने अभी तक बात नहीं की है, उस पर भी हम लोग आएंगे।
ऑलराइट, तो मैं प्राइसिंग के बारे में आपको बता रही थी, लेकिन यहाँ इस बीच मेरे टेबल पे बहुत सारा खाना आ गया है जिसको खाने के लिए मैं तो टेम्पटेड हूँ, बट मिस्टर गेमर इंटरेस्टेड इन हैविंग सम फूड? सॉरी, ही इज बिजी प्लेइंग द गेम. सो लोको लोका जिस रेस्टोरेंट में मैं हूँ, उन्होंने एक नया मेन्यू लॉन्च किया है एंड आई कैन सी अ लॉट ऑफ इंडियन स्पेनिश फूड विथ मुंबईया टच. तो ये दाबेली कसारिया है, ये पोटैटो टैकोस है, ये वीगन सैलेड है, दिस इज न्यूटेला चिलिश, और ये पिज्जा का नाम क्या था? सावर डो पिज्जा. और इसकी बारिश बहुत तेज आ गई है, बट इन एनी केस हम प्राइसिंग की बात कर रहे थे. तो इसू सारो जी साइप्रस जी जी ए 502 की प्राइसिंग ऑलमोस्ट 1 लाख से थोड़ा सा ऊपर है. सियान, एज पर द प्राइसिंग इसमें इतने फीचर्स हैं कि आप 1 लाख के ऊपर पे कर सको, या इससे बेटर भी कोई लैपटॉप है गेमिंग? इससे बेटर भी ले सकते हैं, पर मुझे लगता है ये भी एक तो कुछ तो अपने तरह से अपने एक तो स्पेशल एट्रीब्यूट्स लेके इसको मैं बोल सकता हूँ ये वैल्यू फॉर द मनी है. वैल्यू फॉर मनी लग रहा है, लेकिन अगर मुझे सेम फीचर्स कम दाम में लेने होंगे तो मैं एसर नाइट्रो 5 को ट्राई कर सकती हूँ. हाँ, ऑल राइट. तो यहाँ पर हमारे गेमर ने कह दिया है कि अगर आपको इतने ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने तो एसर नाइट्रो 5 को आप ट्राई कर सकते हैं, बट फिलहाल साइप्रस जी 502 को हमारी तरफ से थम्स अप है. हमारे रिव्यू में ये तो लैपटॉप पास होता है, बट अब खाना खा लें. हैशटैग बुकर मोड ऑन एज पर हिम. यस, व्हाट विल यू हैव? पिज्जा. हाँ, आई कैन सी योर माउथ वाटरिंग. प्लीज टेक वन. नॉट फॉर द पिज्जा, पर पहले मैं ये टैकोस लूंगा. ओके. टेक गुरु में वक्त है एक ब्रेक का. आगे देखेंगे बेस्ट बैटरी बैकअप के 10 फोन्स के ऑप्शंस. हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूँ शिबानी घरत. टेक गुरु के आज के एपिसोड में मैं रेकमेंड करने वाली हूँ कुछ ऐसे फोन्स जो आपको दमदार लॉन्ग लास्टिंग बैटरी देते हैं, यानी बैटरी लाइफ जो दिन भर चले या फिर डेढ़ दिन चले या कभी कभी 2 दिन भी चल जाए, यानी 4000-5000 एमएएच की बैटरी लाइफ वाले ऐसे फोन्स जो मार्केट में अवेलेबल है, और हर प्राइस रेंज का रिकमेंडेशन मैं आज आपको दूंगी. सो लेट्स गेट रोलिंग. सबसे पहले बात करते हैं Redmi के नए फ्लैगशिप K20 Pro के बारे में. 4000 mAh की बैटरी लाइफ के साथ आता है, साथ ही लेटेस्ट Qualcomm Snapdragon 855 का चिपसेट इसमें दिया गया है, सपोर्टेड बाय 6GB रैम और 128GB की स्टोरेज. इनफैक्ट 30,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर दिस इज डेफिनेटली अ फोन टू कंसिडर. बैटरी लाइफ आसानी से मीडियम या स्लाइटली हैवी इस्तेमाल के बाद भी दिन भर इसकी बैटरी आराम से चल जाती है. साथ ही कई बार लाइट यूजेज आप करेंगे या फिर थोड़ा मीडियम यूजेज करेंगे तो डेढ़ दिन तक भी बगैर चार्ज किए, यानी सिंगल चार्ज पर इसकी बैटरी आसानी से चल जाती है. मेरा दूसरा रिकमेंडेशन है OnePlus 7 Pro. 4000 mAh की बैटरी के साथ ये आता है, साथ ही Warp 30 चार्ज यानी क्विक चार्ज इनेबल करता है. Warp 30 चार्ज वो भी एक फैसिलिटी इनफैक्ट इस फोन में मौजूद है. 3 रैम ऑप्शंस के साथ आपको ये फोन मार्केट में मिलेगा, 6GB की रैम, 8GB की रैम और 12GB की रैम, और काफी पावरफुल डिवाइस है. आसानी से 1 से 1.5 दिन तक इसकी बैटरी मीडियम यूजेज के बाद भी चल जाती है. अच्छे बैटरी लाइफ वाले फोन में मेरा अगला रिकमेंडेशन एक बजट फोन है, Vivo Z1 Pro. 5000 mAh की बैटरी इसमें दी गई है, 18 वॉट चार्जर के साथ आता है. इनफैक्ट क्विकली अगर आपको 1 से 1.5 घंटे तक की बैटरी को चार्ज करना है केवल 15 मिनट में, ये फोन ये चीज इनेबल करता है. साथ ही Qualcomm Snapdragon 712 के साथ ये डिवाइस शिप होता है. 4GB की रैम है और 64GB की इंटरनल स्टोरेज इसमें दी गई है, जिसे आप 256GB तक एक माइक्रो SD कार्ड की मदद से एक्सपैंड कर सकते हैं. अच्छे बैटरी लाइफ वाले फोन में मेरा अगला रिकमेंडेशन यानी चौथा रिकमेंडेशन है Redmi Note 7S. Qualcomm Snapdragon 660 के साथ ये आता है. इनफैक्ट ये एक डाउनग्रेड है Note 7 Pro के मुकाबले, लेकिन हाँ 4000 mAh की बैटरी इसमें दी गई है. टाइप सी है,
फॉर योर चार्जिंग, जो क्विक चार्जिंग इनेबल करता है। साथ ही दो रैम ऑप्शंस के साथ आता है, 3GB की रैम और 4GB की रैम। जो इंटरनल स्टोरेज है इसमें वो दिया गया है 64GB का इंटरनल स्टोरेज, जिसे आप एक माइक्रो SD कार्ड की मदद से 256GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। साल के शुरुआत में एक माइंड ब्लोइंग फ्लैगशिप फोन लॉन्च हुआ, वो था हुआवे का P30 Pro। इनफैक्ट कई ऐसे फीचर्स इस फोन में थे, माइंड ब्लोइंग कैमरा इस कंपनी ने ऑफर किया अपने P30 Pro के साथ। तब तक हमें लगता था, क्योंकि बार्सिलोना के आसपास इनफैक्ट सैमसंग गैलेक्सी S10 और S10 प्लस लॉन्च हुआ था, तो ये फ्लैगशिप्स काफी दमदार थे, तो हमें लगा कि दिस विल बी द फ्लैगशिप ऑफ द ईयर। इमीडिएटली एक महीने बाद इनफैक्ट P30 Pro लॉन्च हुआ और अमेजिंग इसके फीचर्स थे, साथ ही अच्छी खासी बैटरी लाइफ भी थी। 4100 mAh की बैटरी इसमें दी गई है, काफ़ी देर तक, इनफैक्ट हाई एंड टास्क भी अगर आप इस फोन पर करेंगे तो काफ़ी देर तक, दिन भर इसकी बैटरी आसानी से चल जाती है। अगर फ्लैगशिप्स की बात करें और 70,000 से 80,000 रुपए के फोन्स के बारे में बात करें, देन दिस इज डेफिनेटली आवर फेवरेट फोन। हमारा अगला रिकमेंडेशन, लेट्स फाइंड आउट। सेल्फी से आपको प्यार है और फोन में अच्छी खासी बैटरी लाइफ आप चाहते हैं, तो मेरा अगला रिकमेंडेशन है वीवो V15। 4000 mAh की बैटरी लाइफ के साथ ये आता है, क्विक चार्ज भी इनेबल करता है ये फोन, साथ ही काफी बढ़िया सेल्फीज निकालता है। इनफैक्ट पॉपअप सेल्फी कैमरा इस डिवाइस में दिया गया है। अगर आप एक अच्छा मिड रेंज फोन चाहते हैं, देन A50 इज माई रिकमेंडेशन। 4000 mAh की बैटरी इसमें दी गई है, साथ ही टाइप सी पोर्ट इसमें दिया गया है जो क्विक चार्ज इनेबल करता है। इसी के साथ साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप इसमें है और 25 MP का फ्रंट कैमरा है। तो ए जो सीरीज है इनफैक्ट सैमसंग की, वो यू नो कॉलेज गोइंग मिड रेंज प्रेफर करने वाले ऑडियंस को टारगेट करती है, एंड दिस इज डेफिनेटली अ गुड स्टर्डी फोन विद अ ग्रेट परफॉर्मेंस। हुआवे के P30 Pro और OnePlus 7 Pro के बाद मैं एक और फ्लैगशिप आपको रेकमेंड करने वाली हूँ, जो बढ़िया बैटरी लाइफ के साथ आता है, वो है Samsung Galaxy S10 Plus। इनफैक्ट 4100 mAh की बैटरी इसमें दी गई है, पावरफुल डिवाइस है, गुड लुकिंग डिवाइस है। साल के शुरुआत में इनफैक्ट सैमसंग ने अपना S10 और S10 Plus, ये दोनों डिवाइसेस सैन फ्रांसिस्को में अनाउंस किए थे, जिन्हें डिस्प्ले किया गया था MWC के आसपास। बहुत ही बढ़िया डिवाइसेस है दोनों के दोनों, और डेफिनेटली अगर बजट पर आपको कोई रोक नहीं है, बजटरी कंस्ट्रेंट नहीं है, देन दिस फ्लैगशिप डिवाइस इज समथिंग यू शुड कंसिडर, अगर आपको बढ़िया बैटरी लाइफ आपके फोन से चाहिए तो। अगला रिकमेंडेशन एक बजट वेरिएंट है, ASUS ZenFone Max M2। इनफैक्ट ASUS ZenFone Max M2 और Max Pro M2 एक साथ ही लॉन्च हुए थे, और वो Max Pro M1 का अगला स्टेप है, यानी अगले वेरिएंट है इनफैक्ट दोनों के दोनों फोन। अगर आपको एक अच्छा बजट फोन चाहिए, मतलब 10,000 रुपए या फिर 12,000 रुपए के नीचे वाला अगर आप फोन खरीदना चाहते हैं, देन ASUS ZenFone Max M2 इज डेफिनेटली अ डिवाइस दैट यू शुड कंसिडर। 4000 mAh की बैटरी इसमें दी गई है, इनफैक्ट
दो यू नो रैम ऑप्शंस के साथ आता है, 3GB की रैम और 4GB की रैम, और दो स्टोरेज ऑप्शंस भी अवेलेबल है, 32GB की इंटरनल स्टोरेज और 64GB की इंटरनल स्टोरेज। इनफैक्ट मैं कहूंगी कि बजट फोन्स में दिस इज द फोन जो सबसे बढ़िया यानी सबसे बेस्ट कैमरा के साथ आता है, और साथ ही पावरफुल फोन है ही, स्नैपड्रैगन 632 के साथ आता है। तो अगर 10,000 से 12,000 रुपए आपका बजट है, देन दिस इज डेफिनेटली अ फोन दैट यू शुड कंसिडर। तो अगर बढ़िया बैटरी वाला फोन आपको चाहिए तो मेरा फाइनल रिकमेंडेशन इस सीरीज में है मोटो वन पावर। इनफैक्ट 5000 mAh की दमदार बैटरी के साथ ये फोन आता है, 4GB रैम वाला ये फोन है, इंटरनल स्टोरेज इसकी 64GB है। 15,000 रुपये की कीमत यानी 15,000 रुपये की प्राइस रेंज में आप इसे खरीद सकते हैं और आसानी से 2 से 3 दिन तक इसकी बैटरी चल जाती है। यू हर्ड मी राइट, 2 से 3 दिन इसकी बैटरी चल जाती है मीडियम यूजेज के बाद भी। लेकिन हाँ, एक प्रॉब्लम है, थोड़ा यूजेज में हैवी है, 205 ग्राम इसकी कीमत है, तो जैसे ही आप इस फोन को हाथ में उठाएंगे थोड़ा बल्कि ये डिवाइस आपको ज़रूर लगेगा। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस मोटो के फोन्स का हमेशा से ही अच्छा रहता है, ज़्यादा ब्लोटवेयर इस डिवाइसेस में नहीं रहता, इन डिवाइसेस में नहीं रहता। तो उस हिसाब से अगर आप एक अच्छी बैटरी लाइफ वाला फ़ोन कंसिडर करना चाहते हैं, देन यू शुड डेफिनेटली कंसिडर मोटो वन पावर। हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते टेक गुरु में Realme 5 Pro का रिव्यू। स्टे कनेक्टेड।